नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल स्वाद सफ़र और ज़िंदगी में। आज हम बनाएंगे स्ट्रीट स्टाइल पाव भाजी, बहुत टेस्टी। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैंने पत्ता गोभी, टमाटर, आलू और कद्दू को काट लिया है। इसको मैं कुकर में 3 सीटी आने तक पकाऊंगी। इसको बड़ा बड़ा काटा है क्योंकि वैसे भी हमें इसे बॉईल करके मैश करना है। इसको सबको एक साथ डाल देंगे और 3 से 4 सीटी आने तक इसको बॉईल करेंगे। साथ ही मैं इसमें 1 ग्लास पानी डालूंगी। हल्दी डालूंगी लगभग आधा चम्मच और आधा ही चम्मच नमक डालूंगी। अब कुकर बंद करके गैस पर रखूंगी। हमें पानी ज्यादा नहीं करना है, नहीं तो काफी पतली हो जाएगी सब्जी। 4 सीटी आने तक पका लेंगे। ये देखिए सब्जी अच्छे से पक गई। अब मैं इसे एक दाल फेंटने वाले मथानी से मैश करूंगी। ये बहुत जल्दी पक जाती है, बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। ऐसे मैश कर लिया है मैंने। अब एक पैन में तेल डालूंगी, ये लगभग 5 चम्मच तेल है। तेल के गर्म होने पर इसमें सबसे पहले जीरा डालूंगी, आधा चम्मच। सौंफ डालूंगी आधा चम्मच और राई डालूंगी और इसको अच्छे से चटकने दूंगी। आप चाहे तो इसे पूरा बटर में भी बना सकते हैं, लेकिन मैं तेल डाल रही हूँ। मैं बाद में बटर ऐड करूँगी क्योंकि हम इसे स्ट्रीट स्टाइल बना रहे हैं। अब मैं इसमें हरी मिर्च डालूँगी। मिर्च आप अपने टेस्ट के हिसाब से डालिए, जितना तीखा पसंद करते हैं। मैं इसमें कुटे हुए लहसुन डालूँगी, आप चाहे तो काट कर डाल सकते हैं, पर मैं हमेशा से ऐसे ही यूज़ करती हूँ। इससे बहुत अच्छा फ्लेवर आता है। इसको ब्राउन होने तक भूंज लेंगे और लहसुन की बहुत अच्छी खुशबू आने लगेगी, तब तक इसे पकाएंगे। अब इसमें मैं अदरक डाल दूंगी। अदरक को मैंने घिस लिया था। इन सबको अच्छे से ब्राउन होने तक पका लेंगे। ब्राउन हो गए। अब मैं इसमें 2 बड़े प्याज डालूंगी। थोड़ी सी प्याज मैंने बचा ली है, उसको मैं लास्ट में ऊपर से डालूंगी। इन सबको अच्छे से भूंज लेंगे। ये देखिए प्याज ब्राउन हो गई है। अब मैं इसमें मसाले ऐड करूंगी। हल्दी पाउडर, लाल मिर्च और 1 बड़ा चम्मच भर के धनिया। हल्दी हम कम डालेंगे क्योंकि सब्जी उबालते टाइम भी हमने सब हल्दी डाली थी। अच्छे से मिक्स कर देंगे और अब इसमें 2 कटे हुए टमाटर डालूंगी। टमाटर को मैंने बारीक काटा है। अब इसे ढक्कन लगा के पकने दूंगी। थोड़ी थोड़ी देर में चेक करते जाएंगे। हमें टमाटर को एकदम अच्छे से गलाना है। अब मैं इसमें 1 पैकेट मैगी मसाला डाल रही हूँ। ये ऑप्शनल है, अगर आप नहीं डालना चाहते तो मत डालिए, पर डालने से बहुत अच्छा टेस्ट आता है। इसके साथ ही मैं इसमें एवरेस्ट का पाव भाजी मसाला डालूंगी। ये भी ऑप्शनल है, पर इससे भी बहुत अच्छा टेस्ट आता है। मैं हमेशा से इसका यूज़ करती हूँ। 2 चम्मच पाव भाजी मसाला है ये, लगभग बड़े 2 चम्मच। अगर आपके पास होममेड मसाला है पाव भाजी का तो आप वो भी यूज़ कर सकते हैं। इसको अच्छे से मिक्स कर देंगे और इसमें नमक डाल देंगे।
नमक हमने पहले सब्जियों में भी डाला था और मैगी मसाले में भी नमक होता है, कम ही डालेंगे। हमारे टमाटर बहुत अच्छे से गल गए हैं, लेकिन फिर भी एक बार इसको ढक्कन लगा दूंगी। ये मैंने कुटा हुआ धना इसमें डाला है, धने को थोड़ा सा कूट लिया है तवे में भूंज के। ये मैं हर बार यूज़ करती हूँ, इससे बहुत अच्छी खुशबू आ जाती है। अब मैं इसमें अपनी बॉईल की हुई सब्जी डाल दूंगी। और इसको अच्छे से मिक्स करूंगी। मैशर से मैश कर दूं। दोस्तों अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो इसे लाइक कीजिए और कमेंट पे जरूर बताइए कि आपकी पाव भाजी कैसी बनी। इस स्टाइल से एक बार बनाइए, आपको बहुत पसंद आएगी। कभी कभी बाजार से भी ज़्यादा अच्छी बनती है घर पर, तो एक बार इस स्टाइल से ट्राई कीजिए। जब तक ये पक रहा है मैं अपने पाव को बीच से इस तरीके से 1/2 काट लूँगी। इसको हम तवे में सेकेंगे। इसको पूरा बीच से अलग मत करिए, पीछे से जुड़े रहन दीजिए। ये देखिए हमारी पाव भाजी पक गई है और बहुत अच्छी खुशबू आ रही है इसमें से। इस टाइम पे मैं इसमें आधा नींबू ऐड करूँगी। नींबू काफ़ी बड़ा था इसलिए मैंने आधा डाला, छोटा है तो एक पूरा डाल दीजिए। बस अब हम इसे साइड में कर लेंगे और गैस में तवा रख देंगे और तवे में बटर डाल देंगे। इसमें हम अपना पाव सेकेंगे। बटर मेल्ट हो गया है, इसे इस तरीके से खोल के सेक लेंगे। अगर आप चाहें तो इस बटर में लाल मिर्च डाल सकते हैं, उससे भी अच्छा फ्लेवर आता है, पर मैं ऐसे ही सेकती हूँ, मुझे ऐसे ही ज़्यादा पसंद है। ऊपर से भी बटर लगा देंगे। इसे अच्छे से थोड़ा सा क्रिस्पी होने तक सेकें, इससे बहुत अच्छा टेस्ट आता है। थोड़ा दबा दबा के ये देखिए इसके साइड्स जो हैं वो गोल्डन हो गए। ऐसा ही सेकना है इसे चारों तरफ से दबा के। मैंने पाव भाजी निकाल ली है, इसके ऊपर मैं थोड़ा सा पनीर ग्रेट करके डालूंगी। यह भी ऑप्शनल है, अगर आप नहीं डालना चाहते तो मत डालिए। पनीर के साथ ही मैं इसमें 2 चम्मच बटर डालूंगी। बटर से बहुत अच्छा टेस्ट आता है। मैं अमूल बटर यूज़ कर रही हूँ। अगर आपके पास घर का बना हुआ मक्खन है तो आप वो भी डाल सकते हैं। अब मैं थोड़ी सी हरी धनिया डालूंगी। एक नींबू मैंने रख दिया और साथ में मैं कटी हुई प्याज डालूंगी ऊपर से। अब ये रेडी है। अब मैं इसमें अपने पाव रख दूंगी जो कि मैंने सेक लिए थे। ये देखिए दोस्तों हमारी बहुत ही टेस्टी पाव भाजी बनकर तैयार है। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए। थैंक